अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के असबाक में से टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो यूनिट 4 पढ़ रहे हैं आजकल, तो इसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000। तो किसी भी डेसिमल को जब हम 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट वन स्टेप राइट साइड को शिफ्ट होगा जब 10 से करेंगे, जब 100 से करेंगे दो प्लेसेस शिफ्ट होगा राइट साइड को, जब 1000 से करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 3 स्टेप्स जो है राइट साइड को शिफ्ट होगा। डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन से पहले हम होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बाय 10 अभी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा वो उसको रिवाइज़ करते हैं, फिर हम अब जैसे एक नंबर है होल नंबर फर्ज किया 14, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब किसी भी होल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 का ज़ीरो उसके साथ ऐड होगा, ये बन जाएगा 140, ये 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 10 140। इसी तरह किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के दो ज़ीरो उसके राइट साइड पे आएंगे, ये बन जाएगा 2500। इसी तरह ये 14 है, इसको हम डेसिमल में लिखते हैं 1.4, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 स्पेस राइट साइड को शिफ्ट होगा, आंसर आएगा 14.0। डेसिमल के आगे लगाया, आगे कोई और सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स 1 से 9 में से कोई नहीं है तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आंसर आ गया होल नंबर 14, वन प्लेस शिफ्ट हुए। अगर फ़र्ज़ किया एक नंबर है 1.25, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा डेसिमल 1 प्लेस यहाँ जाएगा, जवाब होगा 12.5। ये था 1.25, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 टाइम्स ग्रेटर होके 12 बन गया। तो इसी तरह होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में 10, 100 या 1000 के 3 ज़ीरो उसके साथ ऐड हो जाते हैं राइट साइड पर, उसकी वैल्यू 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है इस टॉपिक की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। जब भी किसी डेसिमल को 10 या उसकी पावर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1.59 मल्टीप्लाई बाय 10, पार्ट ए है 1.59 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 15.9, डेसिमल 1 प्लेस यहाँ चले गए। इसी तरह 100 से करते हैं 2.48 को, पार्ट बी है 2.48 मल्टीप्लाई बाय 100, इसमें आंसर आएगा 240, दो प्लेस राइट साइड को शिफ्ट होगा तो डेसिमल यहाँ आएगा, लेकिन आगे कोई और डिजिट नहीं है तो अब डेसिमल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, पार्ट सी है 4.37 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो अब 1000 से करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेसेस आगे जाएगा। नंबर्स हमारे पास यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, पहले इसको हम 0 ऐड करके 3 डिजिट बना देते हैं, डेसिमल के बाद ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 0 हमने ऐड किया है, 0 के आगे कोई और डिजिट नहीं है तो 0.370 या 0.37 दोनों का एक ही मतलब है। अब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4370 आंसर आएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी सी पार्ट्स। इसी तरह
एफ पार्ट है, इस ये भी सेम है, इसको करते हैं डी और ई सेम है, बिल्कुल ए और बी की तरह है। एफ पार्ट में है जी 3.06 मल्टीप्लाई 1000, 3.06 मल्टीप्लाई 1000। अब हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस राइट साइड के शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो हम एक डिजिट का इजाफा करते हैं। अगले स्टेप में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 3060। इसी तरह बाकी सेम है ए और बी की तरह। आखिरी पार्ट में भी इस एफ के बाद आई जी एच आई 3.103 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल 2 प्लेसेस राइट साइड को शिफ्ट होगा, 310.3, ये इसका आंसर है। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10 एंड द पावर ऑफ 10। तो अगले सबक में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय होल नंबर्स पढ़ेंगे। तो आज का सबक एक्सरसाइज नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल किया है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।